दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली के उस मालचा महल की जहां भूत के डर से कोई नहीं जाता। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सरदार पटेल मार्ग पर जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर स्थित भूतधा मालचा महल का अब कायापलट होने वाला है। दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने इस विरासत को संरक्षित करने का फैसला किया है। जानकारी दोस्तों india.com के वेबसाइट से ली गई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चलिए आगे इसकी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली के चाणक्यपुरी में सरदार पटेल मार्ग पर जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर स्थित मालचा महल का कायापलट होने वाला है। दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने दोस्तों इस विरासत को संरक्षित करने का फैसला किया है। यह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालचा महल की मरम्मत का कार्य अगले चार पाँच महीनों में शुरू हो सकता है। सरकार की मरम्मत योजना बना ली है। बताया जा रहा है कि मरम्मत कार्य कुछ साल चलेगा ताकि इस मालचा महल को उसकी पुरानी खूबसूरती में वापस लौटाया जा सके। अधिकारियों का भी मानना है कि मालचा महल को उसके पुराने गौरव में लौटाने में कुछ साल लगेंगे ही, क्योंकि इस महल की संरचना अब काफ़ी जर्जर हो चुकी है और उसको क्षति भी बहुत पहुँची हुई है। इस महल की छिपी हुई संरचना को खोजने के लिए पेड़ों की छटाई भी करनी होगी। गुमनाम खड़ा यह मालचा महल पेड़ों की वजह से अदृश्य सा हो चुका है। यह महल अब खाली पड़ा हुआ है और इसको भूतहा होने की कहानी चारों तरफ फैल रही है। यहाँ रहने वाली अंतिम महिला, जो खुद को अवध की नवाब के नवाब की वारिस बताती थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल भारत सरकार ने साल 1985 में इस महल को बेगम विलायत महल को दे दिया था, यानी महल का मालिकाना हक बेगम विलायत महल को का हो गया था। लेकिन 10 दिसंबर 1993 में बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से यह खाली पड़ा हुआ है। उनके बेटे और बेटियां दो रहा करते थे, लेकिन 2017 में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कुछ बेटे की मृत्यु हो गई थी लेकिन बेटी का कुछ अता पता नहीं लगा। लेकिन आइए इस मालचा महल के भूतिया होने की कहानी को हम जानते हैं। मालचा महल को मालचा विषदरी भी कहा जाता है। इस कहानी इससे करीब 700 साल पहले सिकारगा के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों के सत्ता से बेदखल कर कोलकाता जेल में डाल दिया था, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 26 वर्ष गुजारे। 1947 में भारत के आज़ादी के बाद वाजिद अली शाह का खानदान बिखर चुका था, लेकिन 1970 के करीब बेगम विलायत महल ने खुद को उनका वंशज बताया। विलायत महल ने दावा किया कि वह अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती हैं। उन्होंने मुआवजे और जायदाद की मांग की, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लॉन्च को अपना घर बना लिया। सरकार ने 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिशें की और आखिर में मालचा महल दे दिया। बेगम और उनके बेटे प्रिंस अली रजा की मौत के बाद यह महल खाली है। दोस्तों, आशा है दोस्तों आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य भाई ब्लॉग्स। देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।